ब्रो भाई ब्राता सी भाई शान स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन लीजेंड्स अर्गियस। और पिछले एपिसोड में हमने मेन गेम पूरा कंप्लीट कर लिया था, आज हमको थोड़ी और चीज़ें देखनी है। पहले तो थोड़ा पोस्ट गेम में हम लोग बढ़ेंगे आगे, थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। बट तुमने भी मुझको काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड की है। लाइक यहाँ पे एक फार्म है जो कि हमने अभी तक चेक नहीं किया है, अब वो फार्म वगैरह हम चेकआउट करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें। तो फर्दर हमको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पोस्ट गेम में भी। तो यार तुमको अगर सीरीज से बने रहना है, जुड़े रहना है, तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं शुरुआत में कभी नहीं बोलता, बट या तुम चाहो तो कर सकते हो। बट बाहर में हमारा इंतज़ार हो रहा है और देखते हैं कि कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओह, और ये है हमारे री भैया। गुड मॉर्निंग आई लव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अगर तुम सुबह में देख रहे हो वो जो स्पेस टाइम रिफ्ट है वो जा चुका है। इसका मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो जो बुक है उसको हम क्लोज कर सकते हैं जिस पे हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ओके, एक्चुअली इसका मतलब ये है ना, लाइक अभी जितना भी हम एडवेंचर कर रहे थे, हमने नॉवल्स को हराया, उस नॉवल को हराया, देन हमने डीएल का पालकिया को पकड़ा, तो वो सारी एक बुक में लिख के ये थोड़ा यू नो रिजर्व करते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन वो पढ़ के समझ पाए कि हमारे साथ ये चीज़ हुई थी। वेल इन एनी केस हमारे पास एक और बुक का बचा हुआ है जिसको हम अभी क्लोज नहीं कर सकते, द पोकेडेक्स। टाइम हो चुका है कि हम अपने काम पे वापस लग जाए, सर्वे कॉप ड्यूटी पे, ताकि हम उसको कंप्लीट कर सके। ओके ओके, वी विल डू दैट। हम लोग जा रहे हैं अभी मीट करने के लिए सर्वे कॉप ऑफिस में ताकि हम डिस्कस कर सके कि हम इस काम को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है भैया, तुमसे वहां पे मिलता हूँ। आई लव। ओके ओके, दैट्स ऑल फाइन, हम लोग चलेंगे वहाँ पर भी। बट पहले तो मेरे को फार्म जाके चेकआउट करना है, मेरे को देखना है यार वो कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या है। इस गेम में एक्चुअली काफ़ी कुछ है जो कि हमने बैकग्राउंडली वो चीज़ देखी नहीं है। तो पहले तो मैं वहाँ पे जाऊँ अपने मैरी मैडम के पास ताकि हम वहाँ से डी एल का निकाल सकें, क्योंकि प्रोबेबली मैंने पालकिया ही पकड़ा था और मैंने तुमको ठीक से दिखाया नहीं था। वैसे दिखा दिया था उसको, बट डी एल का मैंने नहीं दिखाया था। दिस लुक्स क्रेजी मैन। और उसका ऊर वाला फॉर्म, ओरिजिन फॉर्म एक्चुअली, वो तो काफ़ी मस्त लगता है। पहले मैं किसको हटाऊँ यार, किसको निराश किया जाए। आई थिंक फ्लोइडसल को, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट फ्लोइडसल, बट कोई बात नहीं, मेरे को पता है तुम बहुत बहादुर पोकेमॉन हो, तुम इतना दर्द सह सकते हो। ओके हम एक बार जल्दी से चेंज कर ले अगर, और कहाँ से ऐसे, अरे नहीं वैसा नहीं होता, ऐसे होता है। चलो भाई एक साइड हम लोग अपना डी एल का निकालते हैं और दूसरा साइड पालकिया निकालते हैं। ये देख सकते हो भैया हमारा डी एल का, ओए होए ओए होए, अरे भैया ये तो डांस कर रहा है। ओहो अभी पाल क्या निकाल के देखते हैं, एक मिनट मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ, इसको अपोजिट साइड रख के देखते हैं एक मिनट। चलो भाई हम लोग बिल्कुल अपोजिट साइड रखेंगे और थोड़ा एक बार मैं नीचे करके यहाँ पे मारता हूँ। ये देखो भैया, ओ नो, ये इस डायरेक्शन में देखने लग गया भाई, इधर भी देख ले। अच्छा रुको मैं इसको सीधा कर, अरे ये दोनों मेरे तरफ देख रहे हैं। देखो भैया हम दोनों के पास आ चुका है, एक हमारा लॉर्ड ऑफ स्पेस है, एक हमारा लॉर्ड ऑफ टाइम है, और दोनों ही मस्त है भाई। पालकिया हम ही को देख रहा है, ये डीएल का बेवकूफ है, डीएल का आपको नहीं देख रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ तुम दोनों, बाद में हम तुम दोनों से और बात करेंगे। वैसे हाँ मेरे पास वो नहीं आया यार, लाइक डीएल का जो ऑरिजिन वाला फॉर्म था उसको मैं कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, वो मेरे को अभी तक पता नहीं चला। बट चलो ठीक है, हम लोग फिलहाल के लिए फार्म पे चल के देखते हैं। और आ चुके हैं हम अपने फार्म में। वैसे ये फार्म उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि इस पर अभी तक कुछ हुई नहीं है। वेल इन अंकल जी से बात करके देखते हैं हम लोग। हे तुम तो सर्वे कॉप में हो ना, जस्ट तुम वही लड़की हो जिसके जिसको मैं ढूंढ रहा था। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करके इस फील्ड को बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड है वो काफ़ी हार्ड है प्लॉग करने के लिए। लाइक तुमको पता होगा ना, जहाँ पे फसल वगैरह बोया जाता है ना, तो वहाँ पे ग्राउंड्स को पहले उसकी मिट्टी को सॉफ्टन किया जाता है ताकि फसल और ठीक से उगे। मैं एक किसी को देख रहा हूँ जो मेरी मदद कर सके। ज़्यादा फील्ड्स मतलब ज़्यादा फूड, और इससे सब कुछ हैप्पी होंगे, इंक्लूडिंग सर्वे कॉप, लाइक हमारी पोटैटो मोची ज़्यादा बनेंगे। अगर तुम्हारे पास एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, क्या मैं उसको बोरो कर सकता हूँ? ओके वाई नट वाई नट, मेरे पास काफ़ी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स हैं, आप हुक्म करो मेरे आका। आपको कौन सा ग्राउंड टाइप चाहिए? नहीं इस पोकेमॉन पर नज़र मत डालो, वो मैं नहीं देने वाला, अल्फा गाचो हम नहीं देंगे यार। मैं मेमोस्वाइन दे सकता हूँ, या फिर वैसे उसका नाम पेलोस्वाइन है ना, ऑनिक्स हम दे सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कीबाइल है। हाँ राइडोर एक्चुअली एक परफेक्ट चॉइस रहेगा, मेरे पास दो दो हैं,
राइडॉन, राइहॉन इसका नाम है, राइडॉन वो वाला है। और मेरे क्या दे सकता हूँ, जियो डूड दे सकते हैं हम। ओके आई प्रोबेबली थिंक्स मेरे को राइहॉन देना चाहिए क्योंकि मेरे पास दो भी हैं, और हाँ ये प्रोबेबली उस काम के लिए ज़्यादा सूटेड रहेगा। नहीं भी ज़्यादा नहीं भी रहेगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक पोकेमॉन इसके तरह, हाँ ये काम कर सकता है हमारा, हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं उसको। चलो वो ये तो हो रहा है, मिट्टी हल्की हो रही है और फ्लफी बन रही है। ये बॉयस देख सकते हो तुम, कुदाल वाला काम चल रहा है और इनका ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा हो गया है मे बी, या देख के तो वही लग रहा है। देखो पहले एक ही यहाँ पे बना हुआ था प्लॉट, अब दो दो प्लॉट्स हो गए हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं अभी। दैट वॉज सम फाइन वर्क, एनी क्रॉप वी प्लांट हेयर विल डू ग्रेट। चलो काफ़ी ही अच्छा। और बताओ हम लोग तुम्हारे पोकेमॉन को रखेंगे थोड़ा सा और मदद लेने के लिए, ताकि हम थोड़ा और फील्ड वर्क कर सकें। ठीक है भैया, ओके बॉयस, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम थोड़ा और फार्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा राइहॉन, काम करो अपना राइहॉन लड़के, तेरे को मैं इसी काम के लिए रखा हूँ। नहीं कोई दूसरे पोकेमॉन को नहीं रखना, तू ही रहे यहाँ पे काम कर। और यहाँ पे अगर हम अंकल जी से बात करें, वैसे तो मेरे को खुद नहीं पता क्या होगा। ये इम्पॉसिबल है कि हम नेचर के अगेंस्ट में जाए, और वो भी फार्मिंग के केस में। यू सिंपली हैव टू डील विथ व्हाटएवर नेचर थ्रोज एट यू। ये सही बात है यार, लाइक मौसम ही ठंडी वाली हो और वो क्या बोल मैं स्नो गिर जाए तो तुम्हारी फसल तो बर्बाद होनी ही है, चाहे तुम क्या भी कर लो। हाँ थोड़े मोड़े ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बट ज़्यादातर केसेस में। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि तुम प्लास्टिक वगैरह लगा दो, तो नहीं भाई, जब भी खेती वगैरह होती है ना तो वो काफ़ी बड़े बड़े लैंड्स में होती है, तो तुम सोच ही सकते हो अगर हो गया स्नोफॉल तो क्या ही होगा। हेयर टू ग्रो सम क्रॉप्स आर यू, नो वे टू टेल हाउ द यील्ड विल बी। यप क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, हम क्या उगाना चाहते हैं, एप्रिकन्स हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मेडिकल वाला वेजिटेबल्स मशरूम पर हैव्स अनदर टाइम। आई थिंक आई एम गोना विद एप्रिकन्स में भी 500 हमको लगेंगे पोके डॉलर्स, नेवर माइंड 500 काफ़ी कम है, हम तो थोड़े अमीर थे, अभी नहीं है, थोड़े कपड़ों में पैसे बर्बाद कर लिया है। बट चलो ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो अंकल जी यहाँ पे एप्रिकन्स लगा रहे हैं। अंकल जी वेल आई गेस देयर इज़ अ गुड रीज़न वाई लेजेंड्स बिकेम लेजेंड्स, वो तो है ही क्योंकि वो महान काम करते हैं तभी तो लेजेंड होते हैं। ओके अब क्या है वो, तुम जो अभी क्रॉप्स लगाई हो उसमें टाइम लगता है थोड़ा ग्रो करने में, कीप एट द सर्वे वर्क ऑफ योर्स। चलो ठीक है, मीन टाइम में हम लोग तो अपना सर्वे वर्क कर सकते हैं, तो वाई नेट हम लोग चल के देख लेते हैं वहाँ लैब में। वेल आई थिंक सुना मेरा थोड़ा लेवल प्रोग्रेस भी होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि मैंने थोड़े पोकेमॉन्स वगैरह पकड़े थे और मेरा थोड़ा वो रिसर्च लेवल बढ़ने वाला है बेसिकली। ओह यहाँ पे पहले ये था क्या, ऊपर ये वाला ऐसे यहाँ पे जज खड़े रहते होंगे ना। चलो भाई हम लोग पहले अपने सर्वे कॉप के ऑफिस में चलते हैं। सलीम मैडम जी हम आ चुके हैं बिल्कुल। सो तुमने फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ वो तो हमने किया, दारू वारू बहुत चली वहाँ पे। सियोर हमने काफ़ी कुछ किया बट मेरे को याद नहीं है कुछ भी, हम थोड़े नशे के हालत में थे। इंडीड वो तो नेचुरल लगता है, वो क्राउड्स को देख के पता चलता है ऐसा। मेरा मानना है कि लास्ट नाइट मैंने आपको पहली बार हंसी वाला चेहरा मतलब खुश चेहरा बनाते हुए देखा कैप्टन। मैं बिलीव करती हूँ कि तुम चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो। नाउ प्रोफेसर लेवेंटन अपने बिजनेस पे चलते हैं, तुम्हारा क्या स्टेट चल रहा है वो पोकेडेक्स से प्रोग्रेस का। ठीक ठाक ही चल रहा है, थोड़ा अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुका है ऑल एंड ऑल, दो वी कुड एफोर्ड टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट इनटू आवर रिसर्च टास्क। हमने किया है कुछ कुछ काम तो हमने किया ही है बट काफ़ी कुछ बाकी है हमारा इशू एंड रीजन में आफ्टर ऑल। किसको पता है कि क्या ये, ऑफकोर्स हाँ हम लोग अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़े नए हैं, तुम कैसे बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने ज़्यादा सुन लिया। अरे बोलो, अगर मैं हिशुजन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ या फिर लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ जो तुमको चाहिए, देन मैं ही वो आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वल्लो सही टाइम पे आए हो बच्चे। वाई आई हैव स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम स्टडिंग सच थिंग्स इंडीड। आई मीन वाइल ऑल्सो
मैं अपने काम पे भी काम भी कर रहा था किंको वर्ल्ड का। अच्छा, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ वो मिथ्स वगैरह ही नहीं पढ़ रहा था, काम भी कर रहा था। और मैंने काफ़ी सारे रुइंस और काफ़ी अलग अलग जगह भी हिशुयन रीजन में पहले ही देख चुका हूँ। आई इमेजिन आई कुड टीच यू अ थिंग और टू अबाउट एनी पोकेमोन ऑफ लेजेंड इन दीज पार्ट्स। अरे चलो ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ओह, ये मेरे कानों को काफ़ी अच्छा सुनाई देता है मेरे गुड फैलो। सुनो आइला, तुमको थोड़ा सीखना पड़ेगा इस मर्चेंट वोलो से। तुम लोग साथ में जा सकते हो जैसा तुम्हें जरूरत हो। चलो भाई, हमको पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना है, आई मीन या तो वोलो के साथ जाके हम थोड़ा चलेंगे। हमको हाइट्स कैंप पे जाके मिलना है। ओके, द रिसर्चर ऑफ द मिथ्स, रिसर्चर ऑफ द मिथ्स। चलो थोड़े मिथ्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, या थोड़ी कहावतों के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा अपना वो क्या बोले उसको, रहस्यों को सुलझाते हैं। ओके ओके, हम लोग फिलहाल हाइट्स कंपनी मिलते हैं। ओ एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़े कपड़े देखने आया था, बट मेरे को याद आया इस इन आंटी जी का ना एक रिक्वेस्ट भी था, तो इनको एक मेल हिपोपोट अटैचिए था जो कि प्रोबेबली हमारे पास है ही, तो वाई नॉट इनको दे दिया जाए। नेक्स्ट आई विल लाइक टू सी अ फीमेल हिपोपोट अटैच। अब उनको कहाँ से लाए यार, मेरे पास तो एक ही है। नहीं, मेरे को वो देना पड़ेगा इनको। चलो ठीक है, मैं दे दूंगा भाई। क्लॉथ्स फिलहाल के लिए करते, देखते कुछ नए कपड़े आए हैं क्या। ओ एक्चुअली मेरे को एक ये वाला कपड़ा डायमंड लेन का जो है, ये थोड़ा पसंद आया। लाइक माई का अगर तुमने देखा होगा ना, तो उसका भी कपड़ा इसी तरह का था, और ये भी अच्छा है। ये दोनों में से मैं सोच रहा हूँ एक लेने का, बट एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है, 10,000 रुपीज़ का ये है, और ये तो हम पूरा देसी बन जाएंगे, आई मीन विदेशी बन जाएंगे। तो प्रोबेबली ये सूट वगैरह तो मैं नहीं लेने वाला, बट वो डायमंड क्लेन का जो कपड़ा है ना, डायमंड या पर्ल क्लेन दोनों एक का लेना चाहिए मेरे को लगता है। हालांकि पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, बट आई थिंक सो वो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में वो कपड़ा पहन चुके थे, तो वाई नॉट लेट जस्ट ट्राई द डायमंड क्लेन ड्रेस। या क्योंकि मैं पर्ल क्लेन का इसलिए नहीं ले रहा ना, लाइक पिछली बार एक्चुअली मैंने परचेज तो कर ही लिया है, हमारा कुछ हो गया, कुछ नहीं खरीदने वाले हम, क्योंकि पिछली बार मैंने एरेडा को चुना था, एरेडा को। एक मिनट, मेरे कपड़े क्यों नहीं चेंज हुए मोहतरमा, चेंज बाई क्लॉथ्स। तो एरेडा को चुने थे, तो मे बी हमारा वो लीडर क्या बोल मैं उसको, या एडमैन, तो हाँ वो थोड़ा गुस्सा हो गया होगा, तो उसको थोड़ा खुश करने के लिए ऑफकोर्स हम उसके ही क्लीन का ड्रेस पहन लेते हैं, मेरे को थोड़ा अच्छा अच्छा भी लग रहा है। या बॉयज, चलो फिलहाल के लिए लोग चलते हैं उधर साइड। फिलहाल का ये एक यूनिफॉर्म टाइप का ही है, तो उतना कुछ खास भी नहीं है, बट फिलहाल के लिए क्योंकि हमने डीएलका को पकड़ा था ना लेटली, तो आई थिंक ये भी अच्छा रहेगा। अभी तो हम लोग चलते हैं हाइट्स कैंप पे, एक्चुअली देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं हमको। ओहो, तो भैया जी यहाँ पे हैं। हेलो भैया, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। तो तुम यहाँ पे आ गई आइला। यहाँ पे तुम देख सकती हो, अगर तुम देख सको, एक अच्छा लंबा क्लोज लुक। हाँ, मेरे को दिख तो रहा है यार, एक्चुअली पोकेमंस का पिक्चर्स एक्चुअली बना है थोड़े से, मे बी। हाँ, लाइक पेंटिंग्स तो मेरे को वही लग रही है। उन पैटर्न्स को देखो, और देखो क्या वो पोकेमंस हैं। आई हैव कम टू थिंक दैट दे माइट बी लेटर्स। ओके, रेदर लाइक हाइरोग्लिप्स। ओके, समझ रहे हैं हम लोग थोड़ा, ये थोड़ी मेरी कहानियाँ को बताता है। वैसे भाई मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, तो तुम लोग नीचे कमेंट करके बताना कि तुम लोग इससे क्या समझ रहे हो। फिलहाल के जहाँ तक मैं दिख रहा हूँ ना मेरे को, तो वो कॉफिन वाला जो लग रहा है ना, लाइक मिडल का सबसे लास्ट वाला, कोई कॉफिन पोकेमन लग रहा है मेरे को। एक कॉफिन पोकेमन था मेरे ख्याल से, और यहाँ पर रेगी गैस मेरे को लग रहा है, रेजी गैस अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही है, मिडल सेकेंड वन। एक मिनट, क्या वो लास्ट लाइन में फर्स्ट वाला जो है गिराटीना है? एक्चुअली फर्स्ट वाला अकियस है क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, पोकेमंस एट हिज साइड वेंट ऑन अ जर्नी टू सर्च फॉर द फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑल इन कंप्रेसिंग डेटी। एक भगवान, कौन सा भगवान के बारे में बात कर रहे हो? यस, एक ऑल इनकम्प्रेसिव डीटी, द क्रिएटर ऑफ द वेरी यूनिवर्स, दिस वेरी यूनिवर्स, और उसका नाम है ओकियस। ओकियस, परहैप्स तुमने ये नाम पहले भी सुना होगा। मैं फैमिलियर हूँ इस नाम से, मेरे को पता है ये कौन है। ऑफकोर्स, मैं एक्सपेक्ट तो कर ही सकता था, वो हीरो जो हिशुयन रीजन में आके हम सबको बचाया है।
बट नाउ चलो डिस्कस करते हैं उस फ्रेगमेंट्स के बारे में। दे मस्ट श्योरली बी द प्लेट्स। यस, वो वेरी प्लेट्स जो तुम कलेक्ट कर रही थी उस नॉबल्स को फ्रेंजाइट्स स्टेट से निकालने के बाद। Haven't you noticed that they also have words engraved on their backs? Go on, और वो पढ़ के सुनाओ मुझे। चलो, you read the text engraved, अच्छा हमने पढ़ा वो, and what is this? The original one breathed alone before the universe came. मतलब जो original one है उसने सांसें ली, like जिंदा हुआ maybe, सांसें ले का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, alone before the universe, इससे पहले, like वो तब बना था जब यूनिवर्स नहीं बना था, वो ओरिजिनल वन। एंड व्हाट माइट बी दैट ओरिजिनल वन? वो ओरिजिनल वन देन अर्कियस है। ओके ओके ओके, नाउ वी गॉट इट। अर्कियस यूनिवर्स बनने से पहले ही वो आया था। ये मे भी थोड़ा सा वो ना थ्योरी कन्वे करता है, बट लेट्स सी क्या बोला उसने कि हमको कहाँ जाना है। एक बार मैं मैप खोलूँ तो वो यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है जाने के लिए ना, जो हमारा रिसर्च का मेथ है वो कहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा। आई एक्चुअली थिंक सो मेरे को उड़ के जाना पड़ेगा भाई। तुम अपने उड़न खटोला को ले आते हैं बस। चलो भैया उड़ के ले चलो, उड़ा के ले चलो हमको किधर, किस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में जाना है, चलो। ओके सो आई थिंक हम पहुँच ही चुके हैं लगभग लगभग बस। चलो चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा रिसर्च साइट है यार। बताओ भैया। नाउ आइला, हमारे ओन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्या 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 एक अल्फा वेस्पी क्लिवन, मुझे माफ़ करना लेकिन क्या 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 तुम सोचती हो कि तुम इसको हैंडल कर सकती हो? ऑफकोर्स, वाई नट वाई नट, जब हम हिसुई को बचा सकते हैं पूरे रीजन को तो ये क्या चीज़ है। मैं सोच रहा हूँ उसको पकड़ लेते हैं हम लोग, एक्चुअली मेरे पास है नहीं और ये अल्फा वाला है तो हाँ, दिस विल बी ग्रेट, दिस विल बी ऑफकोर्स ग्रेट। अच्छा मेरे डीएल का 60 लेवल का है, ऐसा ही है, ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मेरे को इसको पकड़ना है, क्या ही करूँ मैं, फ्लैश कैनन तो नहीं, आयरन टेल, अर्थ पावर में भी उस पर काम ना करे। एक्चुअली आई थिंक सो फ्लैश कैनन विल बी ग्रेट। मैं एगाइल स्टाइल यूज़ करूँ? अरे यार इसमें एगाइल स्टाइल है ही नहीं, बस वो फेंट ना हो जाए। हाँ नहीं 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 नहीं, दैट वॉज क्रिटिकल हिट। ओके बच गए हम, थोड़ा बिल्कुल बच गए हम। बग बस हीरो वाली आवाज़, आई थिंक सो मेरे को इसको पकड़ लेना चाहिए अब, क्योंकि अब मेरे को लगता है मैं मूव करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे डबल डबल मूव कर रही है, इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ओके हम लेडन वॉल ट्राई करते हैं, मे बी इसमें जल्दी आ जाए। एक्चुअली लेडन वॉल का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है पकड़ने का, बस उसका रेंज वगैरह थोड़ा कम हो जाता। ओह नो, ये तो भाग आई। अरे बदमाश पोकेमॉन, चुपचाप उस पोकेबॉल में आ जा, मैं जी हल्का फेंट हो जाएगा। नहीं तो मैं अल्ट्रा बॉल ट्राई करूँ क्या? मेरे पास नाई नहीं है। अरे अरे मैंने वो बच गया कैसे कैसे यार, मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ओके मैं अब गलती से क्लिक नहीं करूँगा, माफी। कान पकड़ के मेरे को ये पकड़ना था, जस्ट थ्रू अल्ट्रा बॉल, दैट वाज लाइक वॉइस, मेरे को नहीं लग रहा था वॉइस वाला क्रिटिकल हिट लगा था, डैट्स व्हाई वहाँ पे वो चीज़ हुई और यहाँ पे हम पकड़ भी लिए इसको। भाई किस्मत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा बैड लक भी ख़राब है, किस्मत की तो बात की बात है, बट देखते हैं हम लोग थोड़ा। हमको मिला है स्टोन प्लेट, अरे ये कोई लक था क्या? व्हेन यूज ऑन अ सर्टेन पोकेमॉन इट अलाउज द पोकेमॉन टू गेन द पावर ऑफ द रॉक टाइप, इट अलाउज दैट पोकेमॉन टू गेन द पावर ऑफ द रॉक टाइप। लेकिन हम दूसरे पोकेमॉन को पकड़ाए तो उसको रॉक टाइप की पावर मिल जाएगी, ऐसा बोल रहा था वो। ओके क्या वो अल्फा पोकेमॉन ने वो प्लेट दिया वो जिसको हम ढूंढ रहे थे? मे बी इट जस्ट हैपेंड टू फाइंड द प्लेट लाइंग अराउंड। इन एनी केस दैट इज द ओनली अदर प्लेट आई हैड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट, सो दैट इज दैट। और देख के लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जो मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट बना रहा है, सस्पेक्ट दे रहा है। देयर मस्ट स्टिल बी मोर प्लेट्स लेफ्ट आउट देयर फॉर अस टू फाइंड। अदर प्लेट्स कहाँ पे मिल सकते हैं हमको? नॉट टू वरी दो, आई नो द परफेक्ट मैन टू आस्क। अच्छा तो उसके बारे में तुम बोल रहे हो, मिस कॉगेटा। चलो मिस कॉगेटा के पास चलते हैं, उस शुराइल के पास। ओके वी विल सी दैट जो हमारी रेड चेन बनाने में मदद की थी। सो ऑनवर्ड्स टू द एंशिएंट रीड रीड।
एंशियंट रिट्रीट आई थिंक सो, वो मेरे ख्याल से वहाँ पे था यार। मैप खोलूँ अगर तो मैप में तो मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी। मेरे ख्याल से वो वाली मैप में थी, क्रिम्सन क्या था वो, मारलैंड्स, क्रिम्सन मारलैंड्स वाले रीजन में था वो रीजन। फिलहाल के लिए प्रोफेसर अब देख लो, हमने एक पोकेमोन पकड़ा है, दैट इज एन अल्फा पोकेमोन। या बॉयस, वैसे मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे को सेलिन से एक बार बात करके अपना स्टार बढ़वा लेना था। सेलिन मैडम जी, हम आ चुके हैं फिर से ताकि हम आपको थोड़ा दिखा सके कि हाँ हमने फिर से अच्छा काम किया है। तो इसके लिए हम लोग बन जाएंगे अभी 6-स्टार मेंबर। या आप देख सकते हो तुम, 6th स्टार हम पे लग चुका है और हमको आई थिंक एक रेसिपी मिलेगी क्योंकि हर बार तो वो मिलती हैं। लेट्स सी, वैसे 10वां स्टार हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हमको रेसिपी मिलेगा। अब तुम लोग को स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो अबाउट दैट। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं लास्ट एपिसोड में बोल दूंगा, तुम बता देना, बट अभी नहीं। अल्ट्रा बॉल की हमको रेसिपी मिली है जिसके लिए हमको 2 आयरन शंक्स चाहिए और 2 ट्रबल्स वो चाहिए, वो टम्बलर स्टोन चाहिए। एक्चुअली मैं गलत बोल रहा था थोड़ा सा, माफ़ कर देना, बट चलो ठीक है। फिलहाल के लिए लोग चलते, एक बार मैं फार्म को भी चेकआउट कर लूँ, ये कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे पौधे उग चुके हैं, लेकिन या ब्रो यहाँ पे तुम देखो अगर तो यहाँ पे ये वाले पौधे हो गए हैं जो कि प्रोबेबली मेरे ख्याल से हमारे खाने वाली चीज़ें ही हैं ये वाले। और दूसरी साइड हमारे जो पौधे हो गए ना, ये वाले हो गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, और ये भी काम कर ही रहे हैं, वहाँ भी काम चल ही रहा है। ये देखो भाई, अलग अलग ट्रिप के यहाँ पे ये वेजिटेबल्स उगा रहे हैं ना। एक बार बात करके देखिए क्या हमारा एप्रिकन बना के नहीं। अच्छा, इन अंकल जी ये और भी कुछ मदद मांग रहे हैं मे बी। चलो देखते हैं अब क्या इनको दिक्कत है। तुमको देख, फिर से देख के काफ़ी अच्छा लगा मिस सर्वे कॉप। ओके, तुम बहुत अच्छे टाइम पे आई हो एज वेल। आई वांट टू मेक द फील्ड इवन बिगर सी, बट वी डोंट हैव इनफ हेल्पर्स टू कीप देम। ओके, वाटर, ओके तो इसको एक वाटर टाइप पोकेमोन चाहिए ताकि ये पानी, मतलब पौधों में पानी दे सके बेसिकली। तो मैं इसको एक अगर वाटर टाइप पोकेमोन दे तो बढ़िया रहेगा। तो एक मिनट, मैं देखता हूँ मैं किसको दे सकता हूँ। साइडक को दे सकते हैं एक्चुअली। हाँ, साइडक वैसे भी काम नहीं करता। मैंटेन को हम दे सकते हैं और बीडूफ को दे सकते हैं। बीडूफ को दे सकते हैं यार। और कौन कौन से पोकेमोन है मेरे पास? साइडक काफ़ी सारे हैं यार। एक्चुअली थिंक सो मेरे को साइडक को ही देना चाहिए, ये कुछ तो काम में आ जाए भाई, ऐसे ही पड़ा रहता है भाई। चलो ठीक है, वी आर गोना गिव द साइडक। आप लोग साइडक ले लो। या बोल, साइडक को देख सकते हो तुम। अब ये काम करेगा, अपना खेती बाड़ी करेगा, थोड़ा सा उसमें मदद करेगा। आप बोलो तो मैं और साइडक देने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा और ज़्यादा कर दो आप। चलो, इट्स ऑल डन, आई एम ऑल डन। ओके, हमारा एक और फील्ड बन चुका है, बट दूसरी साइड तुम देख सकते हो बहुत बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पर। आई डोंट नो वो भी हटेंगे कि नहीं हटेंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट देखते हैं। वो काफ़ी अच्छा काम था। एनी क्रॉप्स वी प्लांट हियर, वो काफ़ी ही अच्छा होगा अब। चलो, हमको मदद करके काफ़ी अच्छा लगता है यार। और ये भी हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमको और फार्मिंग वाला एरिया मिल चुका है। चलो, यहाँ पे एक मोहतरमा भी काम कर रही है यार, बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरों को रोजगार दें। हमारे कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट ओके, मैं थोड़ी देर बाद फिर से आऊँगा चेक करने के लिए कि हमारे एप्रिकन्स तैयार हुए कि नहीं, बट फिलहाल के लिए तो हम लोग चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से डायरेक्टली जा सकता हूँ ना, तो मैं वहाँ जाऊँ क्यों वहाँ पे? हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने फिर से वही वाले रीजन पे जहाँ पे हमको जाना था। अच्छा, एक्चुअली एंशियंट रिट्रीट ना, ये क्रिम्सन मारलैंड के बगल में ही है, बट वो थोड़ा सा अलग एक्चुअली एक रीज़न ही है बना हुआ, थोड़ा कबीला टाइप का। काफ़ी अच्छा, देखते हैं हम लोग भैया इसको धोखा देंगे, हम लोग डायमंड क्लेन के बंदे बन चुके हैं ना, वो कोटा वगैरह लगा के चलते हैं। ओके, फिलहाल के लिए देखते हैं क्या कोगेटा अंदर जी है, मतलब कोगेटा अंदर है या फिर नहीं है। ये तो सामने में ही है। चलो कोगेटा, बताओ क्या हालचाल चल रहा है तुम्हारा। ओह लास्ट वन, तुमने तो काफ़ी जादू वाला काम किया जो तुमने पहले वहाँ पे किया था। अरे, जादुई पर्सन जादू वाला काम नहीं करेगा तो कैसे होगा। एंड यू कैरीड आउट योर ड्यूटी एज यू वेयर बेट। अरे, बट व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए मुझसे? हाँ, एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो अबाउट ऑकियस, समथिंग अबाउट, आई एक्चुअली नो अबाउट देम, बट फिर भी तुम बताओ। यस, एक कहावत है कि वो कैसे का मिलियन साल पहले या फिर 2 मिलियन साल पहले जन्म लिया। Those were the days of the ancient Sino peoples from whom I am descended across my generations.
अच्छा लाइक ये उसकी पूर्वज है एक्चुअली. एंड आई हैव हर्ड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंट स्प्लिट्स एज दे आर कॉल्ड दैट वेयर गिवन टू द एंसेस्टर्स ऑफ पोकेमॉन सच एज कैलिबर एंड वरीडियर. वो तो मेरे को मिली गया एक्चुअली. वरीडियर और कैलिबर वगैरह से प्लेट्स वगैरह मिले हैं बट फिर भी थोड़ी सी प्लेट्स की कमी है जैसा वॉलू बोल रहा था. सो या दैट इज दैट. मैं अफ्रेड हूँ तोरी. आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू. Why the Diamond and Paul clan would never have confused Yelka and Palkia with the creator. Orcius had anything concerned been passed down. Passed down. Okay, ऐसी बात है तो. हाँ हाँ समझ रहे हम. I see. तुम क्या इंटेंड करना चाहती हो. Very well. मैं तुम्हारी मदद करूँगी जैसा मैं कर सकती हूँ. ठीक है. There are still other tremendous Pokemons in Hisui. Other mysteries जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं. Whether they are connected to us, yes, मैं नहीं बोल सकती सर्टनली. लेकिन उन लोगों को ढूंढते ढूंढते perhaps हम अपने रास्ते पर चले जाएँ जहाँ पर हम जाना चाहते हैं. Let me think. There are the Pokemons of the lake, of course, and the temple giant. The crescent moon, the volcano, and perhaps you might even return to the very beginning. Now then, तुम किसके बारे में सुनना पसंद करोगी? पहले क्या? पहले लेक, वो लेक पोकेमॉन के बारे में तुमको पता ही है एक्चुअली. ठीक है. The plates of the lake, okay, तुम वो भी देख सकते हैं. मे बी हम उनको पकड़ भी सकते हैं. और the volcano, again. Well, वो कहाँ ही हो सकता है लेकिन फायर स्पिरिट आइलैंड में. ऑफकोर्स वो एक ही जगह है जहाँ पे हमारा वॉल्केनो था. तो वॉल्केनो वाला तो हमको वहीं पे मिलेगा. और वो क्रीसेंट मून जो है वो क्या है और वो कहाँ मिलेगा? यस, वो मून तुमको वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे चांद की रोशनी बिना किसी रुकावट के आती है. डज दैट क्लू इल्यूमिनेट योर पाथ? ओके. वेल, मेक फॉर द कॉर्नेट आइलैंड्स. अच्छा वो जगह थोड़ा ऊंचा है ना, तो लाइक वहाँ पे चांद की रोशनी डायरेक्टली आती होगी मे बी, बिना किसी रुकावट के, पहाड़ वगैरह के रुकावट की. तो हाँ वो भी है. अब किसके बारे में सुनना चाहते हैं? द टेम्पल गाइंड. द सीक्रेट डैट लिव्स इन द स्नो पॉइंट टेम्पल. टू फाइंड इट यू मस्ट ओपन द डोर दैट इज सील्ड. ओह एक्चुअली मेरे को ये पता है मेरे ख्याल से वहाँ पे कौन सा पोकेमॉन है बट मैं तुमको नहीं बताने वाला अभी. द बिगनिंग. व्हाट इज द बिगनिंग? इंडीड अ बिगनिंग फॉर यू सर्टेनली. वेयर वाज इट यू फर्स्ट फेल टू द अर्थ? हियर. ओह द प्लेट ऑफ प्रिल्यूडी बीच. प्रिल्यूडी बीच का कौन सा प्लेट है वहाँ पर? नाउ देन व्हाट वुड यू हियर ऑफ? अब मेरे को कुछ नहीं सुनना. मेरे को मेरा सब जवाब मेरे को मिल गया. अब सीधा सीधा बताओ आगे. Very well, lost one. The race depends on you and your effort. ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रही हो. बाकी सब काम हम ही को करना है. हमको थोड़े मिस्ट्रीज वगैरह देखनी है कैसे कैसे काम चल रहा है, कैसे कैसे प्लेट्स वगैरह हैं वो चीज़. ओह यहाँ पे मैडो सर जी हैं हमारे. मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है कोगेटा की तरफ से. मुझे बोला गया था कि तुम प्लेट्स को कलेक्ट कर रही हो कुछ सॉर्ट ऑफ मर्चेंट वोलो के द्वारा. या प्रोफेसर मतलब कमांडो सर जी आप बिल्कुल सही हो. देन वी मस्ट गो टू द प्रिल्यूडी बीच. मीट मी देयर. इनको क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रिल्यूडी बीच. मैं प्रिल्यूडी बीच का ही बात कर रहा था एक्चुअली. और एक्चुअली यही चीज़ हो गई. ओके वी विल गो देयर. वी विल गो देयर. एक्चुअली मेरे को वहाँ से जाना ना. मेरा रास्ता वहाँ पे है तो हम लोग फार्म को भी बीच में देखते हुए चलेंगे. ओह यहाँ पे पेड़ तो और बड़े हरे भरे हो रहे हैं. ओके यहाँ पे तुम देख सकते हो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारा साइड अप भी भाई धूप में अपना पसीना बहा रहा है. चलो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट अंकल जी बताओ यार कितना टाइम लगेगा यार हमारे फार्म को बनने में कितना टाइम लगेगा यार. ओके मैं समझ सकता हूँ. चलो भैया देखते हैं आगे जाके हम लोग. एक्चुअली ना इसका दौड़ने का भी एक लिमिट है. एक लिमिट के बाद ये दौड़ नहीं पाती. हाँ यहाँ पे एक बोट है. ये फिर से अपना ये जर्सी पहन के क्यों आया है? आई मीन लाइक वो कवच वगैरह. प्रिल्यूडी बीच इंडीड एक जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी. नाउ इट इज़ नॉट द टाइम फॉर वर्ड्स.
फेस मी इन बैटल. व्हाट? ओके आई विल फेस यू. बट इतना सडनली ऐसा क्यों होता है? वेल मेरे को हेडफोन में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यार, क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं है. हाँ फैमिली में थोड़ा इश्यू हो गया था, डैट्स वाई मेरे को बाल अपने छिलवाने पड़े. तो भाई ये मेरा हेडफोन मेरे को कुछ ज़्यादा पेन दे रहा है एक्चुअली. तो थोड़ा देखना पड़ेगा कुछ अच्छा चीज़ हो जाए. बट फिलहाल के लिए आगे गोलम है यहाँ पर. आई थिंक मेरे को फ्लैश स्कैन करना चाहिए. सबसे बड़ा बात ये है कि स्टील टिप उसका सुपर इफेक्टिव भी है, प्लस ये ऐसा अटैक है तो एक बार में उसको डाउन कर देगा. वैसे भी डीएल का है यार, मजाक थोड़े ना है. ओके नेक्स्ट बुक में इसका हैरन रॉस है, ये दिक्कत दे सकता है. ये ऑफकोर्स दिक्कत देगा हमको फाइटिंग टाइप मूव करके. पिन मिसाइल नहीं, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली. पिन मिसाइल ओ स्वॉर्ड डांस. ओ भाई साहब इसके पास स्वॉर्ड डांस भी है. काफ़ी ही अच्छा. नाउ आई थिंक सो मेरे को अपना सीक्रेट मूव करना चाहिए रोड ऑफ द टाइम. बॉयज लेट जस्ट डू इट. यहाँ पे देख सकते हो. और गया नहीं भाई पिन मिसाइल से, मतलब हमको लगते रहता है ना वो फुल बी स्टोर इन्होंने यूज़ किया. कोई बात नहीं. क्लोज कॉम्बैट नहीं, ये दिक्कत देगा. मैं बोल रहा था ये दिक्कत देने वाला है. बट उसके स्टेट्स डाउन हुए एक तरह से, तो उतना ज़्यादा दिक्कत लेने वाला बात भी नहीं है. आई थिंक मेरा यहाँ पर साइथर काम कर देगा. साइथर भैया आ जाओ, मेरे को इसको कैलेवर में इवॉल्व करना है यार. बट वो आइटम मेरे को जल्दी मिलता नहीं है जो उसको इवॉल्व करने के लिए चाहिए. एंड प्रोबेबली हम उसको परचेज भी नहीं कर सकते. बट आई थिंक सो ना, अभी हम लोग उसको एक क्विस्ट कम्प्लीट करने के बाद हमको आइटम मिल सकता है. तो हम लोग जल्दी से वो क्विस्ट भी कम्प्लीट कर लेंगे और हमारी टीम में आ जाएगा फिर हमारा लॉर्ड कैलेवर. एक और लॉर्ड हमारी टीम में आएगा भैया. ये तो गया. नेक्स्ट कौन बताओ कौन है? एंड दिस इज ब्रेव हरी. ओह नो एयर स्लैश इफेक्टिव नहीं है उतना, मे बी उससे ज़्यादा ही है. चलो कोई बात नहीं. अभी फ़िलहाल के लिए मेरा लग्जरी आएगा धूल चटाने के लिए. अजय लग्जरी भैया फिलहाल के उसके पास 5 ही पोक मज़े हैं. छट्टा रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता. हम का ना यूज़ नहीं, आई थिंक सो मेरे को नॉर्मल वाला मूव करना चाहिए. दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि मेरे को लगता है एक मूव में ये चला ही जाएगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट सेल करके, क्योंकि उससे एक्चुअली हमारी स्पीड भी घटती है थोड़ी सी. चलो नेक्स्ट बुक में इसका स्नो रिलैक्स है, जिसके लिए आई थिंक मेरे को चेंज करना पड़ेगा. ये दिक्कत देगा अदरवाइज. आई थिंक सो मेरे को चेंज नहीं करना चाहिए. अरे नहीं यार मैं भाग थोड़ा ना सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है. मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोबेबली अगर मैं चेंज करूँ और जो मैं पोकेमोन को लाने वाला हूँ वो फेंट हो जाए, तो इसी डुआई को हम लाएँ और ये कुछ ऐसा मूव करें जिससे वो फेंट हो जाए, तो वो प्रोबेबली काफ़ी ही ज़्यादा दिक्कत होगी. तो वो दिक्कत देगा, भले इसके पास हाई हॉर्स पावर है. बट चलो कोई बात नहीं है, फेंट ही तो हुआ है यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेंट ही होगा. मेरे को लगता है मेरे को डिशी डुआई को लाना चाहिए. उसका ट्रिपल एरो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा. या बॉयस हम लोग फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग स्टाइल करते हैं. प्रोबेबली मेरे को वही करना चाहिए. हमको वो नहीं देखना है स्पीड ख़त्म हो. बट ये स्नो रिलैक्स हार जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी खतरनाक पोकेमोन है यार. स्नो रिलैक्स से तो मेरे को लिटरली डर लगता है, क्योंकि उसका रेस्ट का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना दूसरे अटैक्स के साथ, वो उसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है. एंड द लास्ट विद दिस क्लिफेबल सॉलो साइकिक, ये सुपर इफेक्टिव था हम तो मेरी. और काम माइंड, चलो कोई बात नहीं, काम माइंड तो हम सह भी लेंगे थोड़ा सा. आई मीन लाइक वो हम मूवी नहीं करेगी, उसके स्टेट्स भरेंगे बस. तो मेरे को क्या करना चाहिए, लीप ब्लेड करना चाहिए एक्चुअली. बना दू दिस स्ट्रॉन्ग स्टाइल, चलो ताकतवर वाला स्टाइल करते हैं हम लोग. प्रोबेबली हारेगा नहीं. या बॉय मैं बोल तो रहा, दैट वाज क्रिटिकल हिट. क्रिटिकल हिट लगने के बाद भी यहाँ रहा एक आई लिस्ट है. ओह नो नेक्स्ट पोकेमॉन जो आएगा मे बी उस पर थोड़ा हिट कर जाइए. बट नेवर माइंड, हम लोग पालकिया को नहीं लाएंगे, हम लोग आर्कनाइन को लाएंगे. पालकिया लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए. वैसे भी क्योंकि ये फेरी टाइप है ना, तो प्रॉब्लम हमको दिक्कत दे भी सकती है. आई एम गोना यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टाइल विथ रेगिंग फ्यूरी. मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा दिक्कत कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मिस भी हो सकता है. नहीं चलो अब तुम जीत गए भैया, खेल ख़त्म, पैसा हजम. चलो अब हमको वो प्लेट दे दो, क्योंकि आप मेरे को लग तो रहा है कि देने ही वाले हो आप, नहीं तो इतना नौटंकी नहीं करते आप आके. हाँ हम थोड़े पावरफुल एलाई है भैया. और बताओ, ये तो मेरे को ही पता है, कुछ ऐसा बताओ जो हमको नहीं पता है. कुछ ज़्यादा तो बकबक नहीं कर रहा इस वीडियो में. तुम अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, जिससे पहले मैं माउंट कॉर्नेट पे लड़ा था. ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि तुम पोकेमॉन को डेंजरस
इनमें के नज़रिए से नहीं देखते, बट रेडर तुम उस पर विश्वास करते हो अपने दोस्त की तरह। एलाइस जो तुमको काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट्स पर पहुंचा सकता है। हियर यू शुड हैव दिस। और हमको क्या मिला? दिस इज फीस प्लेट। फीस प्लेट एक्चुअली फाइटिंग टाइप वाला है, मेरे को पहले पता था, तो मत बताना मतलब। या एक्चुअली ये काफ़ी क्लियर है कि ये थोड़ी सी पावर को हील्ड करता है, एंड सो मैं इसको बहुत सेफली रख रहा था पूरे समय तक। आई फाइंड इट फिटिंग दैट इट शुड नॉट एंड अप विथ यू हु लाइकवाइज अराइव हियर ऑन दिस सेम मेज। ये बोल रहे हैं लाइक ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से हम आसमान में टकपेंगे और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देंगे भाई। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा। इंडीड इट मस्ट बी सो। तुम और मैं, एडमिन और एरिडा, इट डिड एपियर वी आर ऑल बीइंग गाइडेड बाय द वन कॉल्ड ऑलमाइटी सेनो। तुमको पता ना कौन भगवान है? यार मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ धोखे में। नाउ देन अपने सर्वे वर्क को जारी रखो। द नॉलेज दैट यू कलेक्ट अबाउट द वाइल्ड पोकेमॉन्स ऑफ दिस रीजन विल सर्व टू इल्यूमिनेट अवर पाथ फॉरवर्ड्स एज वी वर्क इनटू द फ्यूचर। ठीक है भैया, बिल्कुल जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो कमांडर। चलो भाई, यहाँ पे हमको वो कोगेटा का हिंट के द्वारा ये चीज़ तो पता चल गई थी कि यहाँ पे हमको कुछ मिलने वाला था, और हम प्रोबेबली आके यहाँ पे ये ले भी चुके हैं। क्या मैं डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता? मैं यहाँ पे इतना दूर जाऊँगा, प्रैक्टिस फील्ड में भी हम डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मेरे को फार्म में जाना है। मेरे को जाके देखना है भैया कि वहाँ पे हमारा कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, और प्रोबेबली लगता है ये नहीं हुआ एक्चुअली। नहीं यार, इस पर थोड़ा टाइम लगे। आई थिंक प्रोबेबली तुम नेक्स्ट वीडियो में देख पाओ कि इस फार्म में क्या क्या चीज़ें उगती हैं, या मैं तुमको दिखा दूंगा बिल्कुल। बट फिलहाल के लिए तुमने एक और चीज़ बोली थी कि मेरे को थोड़ी सी रेसिपीज़ खरीद लेनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से मेरे पास पैसे कम हो गए रेसिपी खरीदने के, तो एक बार चल के हम देखते हैं। तो प्रोबेबली हमको इन अंकल जी के पास जाना है जिनका हमने पिछला क्वेस्ट गया था, और यहाँ पर क्राफ्टिंग रेसिपी तुमको दिखती है ना, तो ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी रेसिपी खुली हुई है पहले से ही। ये लाइक स्टार पीस वगैरह की रेसिपी है, ये भी तुम बना सकते हो। ओके, बट रेसिपी तुम देखो यार, काफ़ी महंगे महंगे भी है। 16,000 के रेसिपीज हैं। ओके, वी विल सी दैट। 25,000 के मैक्स ईटर। एक मैक्स ईटर बनाने के लिए, वेट व्हाट, एक मैक्स ईटर? अच्छा, मैक्स एग्जाइलर है ईटर, मतलब ईटर हमको चाहिए एग्जाइलर बनाने के लिए। ओके, तो अरे महंगे, मैक्स रिवाइव की भी रेसिपी है। आई थिंक सो इसको परचेज कर लूँगा जल्दी। 25,000 का ये भी है। मेरे पास पैसे थोड़े कम गए यार, मैंने ड्रेस खरीद ली थी, बट चलो ठीक है। आज के लिए आई थिंक सो ये काफ़ी है। आई होप तुमको वीडियो देख के मजा आएगा। वीडियो देख के मजा आता है, तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, तुम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए। एंड या लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इस सीरीज पर थोड़ा सपोर्ट कम आ रहा है, बट क्योंकि मेरे को गेम पसंद आ रहा है तो आई विल प्ले इट। चिंता मत कर लो, बस तुम लोग कमेंट वगैरह करके अपना प्यार दिखाते रहना। बाय द वे, यहाँ तक देखने के लिए अरिकाता।